मुझे नहीं पता लेकिन यू नो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट थिंग्स एज अ चाइल्ड वाज कि आप किसी भी मैगजीन में देखते थे कि वर्ड ऑफ द डे क्या है कोई नया लव सीखना जिसकी यू you नो know, जिसकी मीनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हो आपके ना सिर्फ वोकेबलरी को बढ़ाता है बल्कि साथ साथ इट गिव्स यू समथिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन सो आज का जी वर्ड ऑफ द डे है मोखलानी जो कि एक फ़िल्म का टाइटल भी है इस फिल्म में क्या है ये हम आपको बताते हैं लेकिन मुखलानी मीन्स बेसिकली बिडिंग फेयरवेल यानी अलविदा अलविदा कहना और आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाब शरीफ जो कि एक फिल्म मेकर हैं नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोर हैं जो कि पाकिस्तान में बेस्ड हैं और उन्होंने एक फ्रेश लेक वाटर कम्युनिटी या उसे इर्द गिर्द के हवाले से ये मूवी बनाई है जिसका नाम मोखलानी है सो लेट्स फाइंड आउट कि इसका असल मुद्दा है क्या एंड वॉट कैन वी एक्सपेक्टेड एट असलम जवाब

या आखिरी मुलाकात है oh. और मुझे याद है कि जिस वक्त हम इन प्रोडक्शन प्रोसेस तो हमारा वर्किंग टाइटल्स होते हैं जी. तो पहले हमने इस डॉक्यूमेंट्री का वर्किंग टाइटल रखा हुआ था दी लास्ट मोहाना जो जो आप आई मीन I mean, के फिल्म करते हैं आप अपने जो प्रोटेक्निस्ट हैं अपने सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपका नेगेटिव इवॉल्व होता है मतलब वो खुद एक अपना जो है ना वो शेप ले रहा होता है और वो फिर खुद बताता है कि मुझे मुझे क्या नाम चाहिए मुझे आप किस तरह से जो है मुखातिब करें अच्छा, और ये चीज इस कहानी के अंदर है कि ये जो हम आखिरी मुलाकात की

मौसमी माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं ये इनकी मुश्किल में इजाफा कर रही हैं इनकी मैंटल हेल्थ को इनकी कम्यूनिटी लाइफ को कैसे ये अफेक्ट कर रही हैं और क्या ये हम आपकी मूवी में देख पाएंगे आ, बिल्कुल सिदरा टू तो बी वेरी ऑनेस्ट I mean आई मीन इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं और इतना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी पे इम्पेक्ट है कि ये पूरी कहानी ही आ, उसके ऊपर है इट्स मोर अबाउट क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट या yes. आप इसको ले लें कि क्लाइमेट माइग्रेशन के किस तरह जो है मौसमियाती तब्दीली की वजह से या जो uh, मौसम की वजह से या सैलाब की वजह से या डिफरेंट जो डिज़ास्टर्स हैं जो क्लाइमेट डिज़ास्टर्स हैं उसकी वजह से इन इंडिजनस कम्यूनिटीज़ को जो कि सैकड़ों सालों से उन uh, उन उस मिट्टी पे उस पानी पे बस रहे हैं लेकिन उन अब वो मजबूर हैं वो अपना इलाका अपनी मट्टी अपना पानी जो है वो छोड़ के जाए और ये किसी के लिए किसी की पूरी जिंदगी जो है वो आप कहें फ्लिप हो जाती है ये सब नस्लों कुछ नस्लों की मेहनत तो होती है जो आपका फेमिलियर है आपकी जमीन है या वो जेर आ जाए या जिस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जे झील से आप खुराक हासिल करते थे वहीं से मछलियाँ पकड़ कर उसको बेचते थे ये तमाम चीज़ें अगर आपसे यकायक छिन जाएँ तो यकीन ये एक बहुत बड़ी डिसप्लेसमेंट है मुझे बताएं इस मूवी को बनाते हुए यकीन आपने पाकिस्तान का खूबसूरत कल्चर उसकी हेरिटेज को एक्सपीरियंस किया हमारे लिए उसको फिल्म बंद किया लेकिन यूथ और वहाँ का जो ये पूरा है ये पूरा समाज है जो इस वक्त डिस्ट्रेस का शिकार है उनकी तरफ से क्या पैगाम है शहरों में बसने वालों के लिए या साहब अकतदार लोगों के लिए कि किस तरह इनकी मदद हो सकती है किस तरह इनकी हैंड होल्डिंग हो सकती है अच्छा सिद्रा ऐसा है कि सबसे जो बड़ा जो हम कैप देखते हैं ना वो ये है जो कि इन कम्यूनिटीज का इन नौजवानों का और आई I मीन mean, के इन लोगों का गिला है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा नहीं जाता हमारा जो इशू है उसको समझा नहीं जाता अगर हम इवन ये क्लाइमेट की आ, बात करते हैं या हम जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनकी बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज इंडिजिनस कम्यूनिटीज़ मतलब इनके पास अपने जो है वो सोल्यूशनस होते हैं दोज़ आर वेरी नेचुरल ऑर्गेनिक सोल्यूशंस के मतलब हम सैकड़ों सालों से उनको इम्प्लीमेंट करते रहे आए हैं लेकिन अगर हमें उसमें सपोर्ट मिले तो शायद हम उन सॉल्यूशंस को उन टेक्निक्स को दोबारा से इंप्लीमेंट करें और वो चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो सके Beautiful दूसरा चैलेंज हाँ और दूसरा चैलेंज जो है वो ये आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो डोनर्स हैं इंटरनेशनल उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जो ऑन ग्राउंड जो कम्युनिटी है उसकी एक्चुअल जो है वो नीड्स क्या है yes. और क्या जो Uh, क्या जो हम मदद कर रहे हैं वो उनको किसी भी तरह से जो है उनकी जिंदगी में तब्दीली लेके आ रही है absolutely. या नहीं यानि उनको फ़ायदा तो भी वो... हो रहा है या नहीं या इन इंटरवेंशन का वो इफेक्टिव अंदाज यानी वो रिजल्ट क्या आपको मिल भी रहे हैं या नहीं जो आप चाह रहे हैं एंड यूर एप्सोलूटली राइट कई दफ़ा फ़ॉन इंटरवेंशन से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि इंडिजिनस कम्यूनिटी की जो अपनी विजडम है जो उनके अपने तरीके हैं उसको दोबारा से प्रमोट किया जाए जबाद इट वॉज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू आई विश यू the very best and thank you for covering the Mohana people who are known as the bird people or is community ko unke ko kahani i'm very excited about that i'm looking forward to watching it and i hope to see you in my studio very soon as well